हेलो, हेलो, थैंक यू कृष्णा जी, वो बिल्कुल ठीक है। कार्तिक, किसका फोन था नायरा? पता नहीं भाई, कोई आवाज नहीं आई। हो सकता है कोई रॉन्ग नंबर होगा। और बाय द वे, तू इतनी रात को क्यों जाग रही है? चल जाके सो जा, ये सब हम सुबह समेट लेंगे। ओके, ये कैसा सपना था? क्या मतलब है इसका? पहले क्या कम कंफ्यूजन है मेरे दिमाग में? जो चीज मैं सोच भी नहीं सकता वो सपने में आ रही। करनारा से बात नहीं की, उसे वो नहीं पता जो मेरे मन में है। रात को तो पूजा की थी ना मम्मा, तुम मंदिर क्यों आए? आई नो, समाज में मटकी फोड़ रहे, वहाँ जाने नहीं दे रहे, और यहाँ क्या हुआ अगर नहीं जाने दे रहे हैं तो? हाँ, हर साल तो जाने देते हैं ना? एग्जैक्टली पापा, हर साल जाते तो इस साल क्यों नहीं? यहाँ कुछ हो क्यों नहीं रहा है? कोई बच्चों से कहे कि वहाँ जाने की जिद ना करे, उनके कहने पे कार्तिक भी जाएगा और वहाँ पे वो सब लोगों की जिन्हें देख कर वो परेशान होगा। अरे कोई कहीं नहीं जा रहा है भाई, तुम प्लीज शांत हो जाओ। हाँ, इसलिए तो यहाँ आए हैं कि उनका सामना ना हो। जिस तरह के तेवर है उनके आजकल, सामना ना होना ही अच्छा है। मानसी को कॉल करता हूँ, बहाने से नायरा के बारे में पूछ लूंगा। पर क्यों, मानसी को क्यों, नायरा को क्यों नहीं? बात तो नायरा से करनी है ना फिर, पर उससे कहूंगा क्या? हाँ विनीता जी, नमस्ते। क्या बहुत बुरा हुआ ये तो, हे भगवान। क्या हुआ माँ जी? अरे वो विनीता जी है ना, उनकी वो ननन दिल्ली वाली, वो गुजर गई। पता नहीं पिछले 2 दिनों से 10 बार हमने उनके बारे में सोचा होगा, सोचा भी था कि उनको फोन कर ले, लेकिन रह गया। वो कहते हैं ना, जब कुछ होने वाला होता है तो पहले से आभास हो ही जाता है। ऐसा होता है? आपने पहले भी कभी फील किया? हाँ बेटा, जब तुम्हारे दादाजी, उनके बीमार होने से पहले हमें यह आभास हो गया था कि कुछ तो होने वाला है। जब कोई तुम्हारे इतने करीब हो ना, तो उनके बारे में तो यह एहसास हो ही जाता है। हाँ ये बात अलग है कि कभी कभी हम इन इशारों को समझ नहीं पाते। मुझे अभी के अभी नायरा से बात करनी होगी, राइट नाउ। ने जो कहा वो 100% होता होगा, वरना मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही होगी? कुछ तो है जो मुझे नायरा से शेयर करना है, कुछ करना है, पर पता नहीं क्या। मुझे बात करनी है उससे, just want to see her, एक बार देखना है उसे, just want to make sure कि वो ठीक है। आप ट्रस्ट से बात करके हमें बता दीजिए। जी हाँ, अगर कोई मदद की जरूरत हो तो हम हैं। आपका बहुत आभार यजमान। ले जा। बात तो मैं करूंगा उसे, ऐसे नहीं जाने दूंगा इस बात को। मैं उसे समझा नहीं पाऊंगा, फिर भी वो समझ जाएगी, जानता हूं।
कार्तिक कहाँ जा रहे? मैं वो इधर आओ मेरे साथ, काम है कुछ। चलो देखा, मैंने कहा था ना कि यहाँ पे भी बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होगा। अब तुम मिस नहीं करोगे ना समाज के फंक्शंस को? नहीं, हमको तो ये चाहिए था। इसीलिए तुम लोगों को यहाँ लाए। पहले ये सब नहीं हुआ करता था, लेकिन इसी साल से शुरू हुआ। सभी भक्तों से अनुरोध है कि मंदिर प्रांगण में एकत्रित हो जाएं। दही हंडी का कार्यक्रम कुछ ही समय में शुरू होने जा रहा है। ये इस मंदिर की ट्रस्ट की ओर से आयोजित पहला दही हंडी कार्यक्रम है। आप सबका साथ और सहयोग बना रहा तो मंदिर ट्रस्ट हर वर्ष इस तरह के कार्यक्रम करने का अभिलाषी है। जय श्री कृष्ण। भैया प्लीज चलिए ना, प्लीज 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 प्लीज। हाँ हाँ बेटा जाओ, ये तो भगवान के जन्म की खुशी में सम्मिलित होके हम उनका धन्यवाद ही तो कर रहे हैं। ऊपर वाला इतनी सुनता है हमारी, कुछ तो उसका ऋण हमें भी तो चुकाना चाहिए। चलिए चलिए। सुबह से ही बोलना था तुमसे। बोलो। नायरा, नायरा मुझे मुझे बोलना है कि क्या हुआ कार्तिक? क्या हुआ कार्तिक, तुम ठीक तो हो ना? क्या कहना चाह रहे हो तुम मुझसे, बोलो। नायरा वो कुछ कल रात लैंडलाइन पे तुमने ही फोन किया था ना? मेरा अंदाजा सही था। क्या हुआ कार्तिक, बोल क्या बताना चाह रहे थे तुम इतनी रात को मुझे? नायरा कुछ है जो मुझे तुम्हें बता, कुछ बताना है जो, पर समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ तुम। कार्तिक कोशिश तो करो। बस इतना बताना चाहता हूँ, तुम क्यों देख रहे हो, तुम क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, प्लीज बोलो। कार्तिक क्या? नायरा तू यहाँ अकेली क्या कर रही है? सब लोग वहां है ना, चल। भाई आप चलिए, मैं आती हूँ। आती हूँ मतलब कर क्या रही है यहाँ अकेली? वो एक्चुअली वहां गुलाल उड़ रहा था ना, तो मुझे खांसी आने लगी, इसीलिए मैं यहाँ पानी पीने आ गई। तू ठीक तो है ना? हाँ। तो चल फिर आ जा। हाँ जी। हाँ।
हो रहा है मुझे, क्यों इतना बेचैन? आप भी हेल्प नहीं कर रहे हो ना मेरी, प्लीज बता दो क्या क्या बताना चाहता हूँ मैं उसे, क्या कहना चाहता हूँ, क्यों वो शब्द नहीं मिल रहे मुझे, क्या हो गया है मुझे, क्यों इतना परेशान, क्यों इतना अजीब फील कर कहलाता है ये रिश्ता, क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।